लेट्स स्टडी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज ऑकरेंस ऑफ मेटल्स राइट अगर मेटल्स यूज करने हैं आपको राइट तो आपको चाहिए प्योर स्टेट में वो सारे मेटल्स तभी आप यूज़ कर पाओगे राइट और मे बी वी नीड सम इट एज फर सम पॉइंट अ बनाते हैं दो मेटल्स को मिक्स करते हैं कोई डिजायरेबल प्रॉपर्टी के लिए राइट सो फॉर दैट वी नीड दी मेटल्स इन दी प्योर फॉर्म लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट ऑकरेंस ऑफ मेटल्स लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी फ्यू बेसिक आइडियाज दैट वी नीड टू हैव दैट इज़ अबाउट दी क्रस्ट मिनरल्स राइट वो सब चीज़ें क्या है अब क्रस्ट तो हमें पता है कि अर्थ का क्रस्ट है राइट right? वहाँ से हमें मिनरल्स मिलने वाले हैं मिनरल्स क्या होते हैं मिनरल्स बेसिकली आर एलिमेंट्स और कंपाउंड विल डिस्कस एलिमेंट्स और कंपाउंड वाई इट इज रिटन देर राइट ऑकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली जो ऑकर करते हैं सिंपल दैट इज डी मिनरल्स बहुत सारे मिनरल्स होते हैं क्रस्ट होते हैं ओरस भी होते हैं ओर मीन्स वही है कि वो वही होते हैं एलिमेंट इन द रॉ फॉर्म राइट फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्ट द एलिमेंट्स ओशन ओशन में भी काफ़ी सारे सॉल्यूबल हमें मिल जाते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट इज गिवन सोडियम क्लोराइड मैग्नेशियम क्लोराइड राइट वी कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ मिनरल्स एवरीवेयर ऑन द अर्थ आवर जॉब इज टू जस्ट फाइंड एंड एक्सट्रैक्ट इट बिफोर वी डिस्कस कोर आइडिया लेट्स डिस्कस फ्यू टर्म्स फ्री स्टेट फ्री स्टेट का मतलब क्या है मेटल्स विच आर फ्रीली अवेलेबल फ्रीली आपके लिए अवेलेबल है आपको रॉ फॉर्म में मिल जाएंगे जैसे कि गोल्ड है राइट वी कैन गेट इट राइट गोल्ड मिल जाता है बट बाकी सारे एलिमेंट्स ऐसे नहीं मिलते क्योंकि दूसरों के साथ रिएक्ट कर देते हैं नेक्स्ट इज अबाउट द ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स क्या होते हैं ऑक्सीजन एंड एलिमेंट राइट वॉट एवर एलिमेंट यू टेक दोडियम एन ए टू ओ राइट सोडियम ऑक्साइड MgO, जी ओ मैग्नेशियम ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड यू हैव दी मिनरल इन ऑक्साइड्स फॉर्म जिसमें ऑक्सीजन के साथ वो कंपाउंड बनाता है तो उसे बोलते हैं ऑक्साइड्स नेक्स्ट इज अबाउट सल्फाइड्स सल्फर के साथ अगर उसने कंपाउंड बनाया तो इट इज कॉल्ड वॉट सल्फाइड्स एंड नेक्स्ट इज अबाउट दी कार्बोनेट्स राइट कार्बोनेट क्या होता है याद रखो कार्बन ऑक्सीजन एंड एलिमेंट राइट उसमें कार्बन भी होगा ऑक्सीजन भी होगा और एलिमेंट भी होगा सो दीज आर दी कॉमन थिंक दैट वी कैन आइडेंटिफाई एंड दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर फ्री स्टेट वेरी सिंपल रॉ अवेलेबल है आपके लिए गोल्ड दैट इज द फ्री स्टेट ऑक्साइड्स मतलब क्या ऑक्सीजन और एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो ऑक्साइड सल्फर के साथ कंपाउंड बनाया तो सल्फाइड्स एंड फाइनली कार्बन एंड ऑक्सीजन के साथ बनाया तो इट इज़ वॉट कार्बोनेट सो दीज आर द्री फोर टर्म्स डेट वी नीड टू रिमेंबर एंड एज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल लेक्स मू वॉट नेक्स्ट इज एक्स्ट्रैक्शन ऑफ मेटल्स उसका मतलब क्या होता है सी इट इज अटेनमेंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड आपके पास जो भी कंपाउंड है उसमें से आपको वो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है प्योर फॉर्म में लेना है दैट्स इट अगर आपके पास है कॉपर ऑक्साइड सी यू ओ उसमें से आपको कॉपर निकालना है दैट इज कॉल्ड वॉट एक्सट्रैक्शन ऑफ दी मेटल वेरी सिंपल नाउ हियर वी आर गोइंग टू कीप इन माइंड द रिएक्टिविटी सीरीज राइट याद करो हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक ऑफ द मेटल्स Right, as we are discussing about the metals, we will be obviously talking about the rea reactivity series of the metals. Right, so this is the reactivity series. Right, sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, and finally last at gold. Now there are categories we know very well. That these all are the reactive metals. These are moderately reactive, and these are the least reactive metal. Yaad Okay, so. दैर इज़ अ रीज़न वाई आर वी डिस्कसिंग दिस अब जो बहुत रिएक्टिव है वो फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेंगे उसका क्या लॉजिक है ऐसे समझ लो कि ये वाले जो सारे हैं ना एलिमेंट्स वो बहुत अच्छे से किसी के साथ भी फ्रेंडशिप कर लेते तो वो अकेले नहीं घूमते राइट right? बीच वाले भी थोड़ी कर लेते बट लास्ट वाले तो किसी के साथ फ्रेंडशिप करते ही नहीं तो वो अकेले ही मिलेंगे आपको राइट right? जैसे कि गोल्ड आपको मिल जाएगा राइट ऐसे याद रखो मोस्ट रिएक्टिव मीन्स वॉट किसी के साथ भी वो फ्रेंडशिप कर लेंगे वेरी सिंपल लॉजिक राइट तो उसी की वजह से दे आर नॉट एबल टू फाउंड इन द फ्री स्टेट बेसिकली वी नो वेरी वेल कि सोडियम पोटेशियम तो किसी के साथ भी रिएक्ट करते ऑक्सीजन ले लो वाटर ले लो राइट दे आर नॉट अवेलेबल इन फ्री स्टेट ड्यू टू दिस बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव नेक्स्ट मॉडरेटली रिएक्टिव प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स सल्फाइड्स एंड फाइनली द कार्बोनेट्स ऑल द थ्री फॉर्म्स दैट बी डिस्कस प्रीवियसली राइट एंड एट लास्ट लीज रिएव मैटर्स वी कैन गेट इन फ्री स्टेट इन नेचर याद रखो जैसे ही आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाओगे आपको एलिमेंट्स फ्री फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएगा ऊपर वाले तो भूली जाओ बीच वाले आपको थोड़े मिल सकते हैं राइट अगेन इन विच फॉर्म इट इज ऑक्साइड सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स एंड फाइनली लास्ट वन यू विल बी एबल टू गेट इट नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी एनरिचमेंट ऑफ दी ओर एनरिचमेंट ऑफ दोर मीन्स क्या होता है राइट right. आपके पास चलो मिनरल है उसमें से आपको इम्प्योरिटीज भी निकालनी होती है बिकॉज आपको मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे अर्थ के क्रस्में से अर्थ के क्रस्म में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है बहुत सारी आप मिट्टी भी ले लो या कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ ले लो राइट right. वो सारी चीज़ें कोई भी मेटल में हम यूज़ नहीं कर सकते सो so, आपको वो सारी चीज़ें रिमूव करनी होती है राइट सो रिमूवल ऑफ अन वटेड मटीरियल गैंग फ्रॉम दी ओर दैट इज दैट इज वॉट एनरिचमेंट ऑफ दी ओर अब देख लो मेटल ओर ऐसे चीज़ों से बना होता है आपके पास आपका मेटल है यहाँ गैंग है राइट उसमें भी सॉइल हो सकती है सैंड हो सकती है सॉइल पार्टिकल्स बेसिकली समझ लो आप राइट तो ये सारी चीज़ें आपको रिमूव करनी है उसमें सो दैट इज कॉल्ड व्हाट एनरिचमेंट ऑफ द ओर वेरी सिंपल बिकॉज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दी मेटल्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस यूजलेस मटीरियल्स इम्प्योरिटीज आर ऑफ नो यूज नेक्स्ट now वी know दैट देर आर रिएक्टिव metals राइट वेरी रिएक्टिव metals लीस रिएक्टिव metals मॉडरेटली रिएक्टिव metals उन सब को मेटल एक्सट्रैक्ट करने के तरीके अलग है क्योंकि वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं राइट सो दिस इज द रीजन देर आर थ्री वेज वी एक्सट्रैक्ट द मैटल्स मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी राइट लेट स्टार्ट विद द मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी हाउ डू वी गेट दी मेटल्स सो सबसे पहले उसकी सल्फाइड और होती है सल्फाइड मतलब याद रखो हमने क्या पढ़ा था सल्फाइड प्लस एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड बनाएगा किसके साथ सल्फर के साथ दैट इज दी सल्फाइड और उसको आपको क्या करना है रोस्ट करना है डोंट वरी वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल देन यू आर गोइंग टू गेट मेटल एंड फाइनली रिफाइनिंग आपको मेटल तो मिल गया क्या वो हंड्रेड परसेंट प्योर है तो उसको भी आपको प्योर करना पड़ेगा दैट इज वॉट अबाउट रिफाइनिंग इज नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी नाउ मीडियम रिएक्टिविटी में यू विल बी एबल टू गेट कार्बोनेट ओर एज वेल एंड दिस सल्फाइड ओर एज वेल अगर सल्फाइड ओर है तो सिंपली वही रहेगा रोस्टिंग ऑक्साइड ऑफ मेटल देन रिडक्शन ऑफ मेटल एंड प्योरिफिकेशन फॉर द कार्बोनेट एज वेल यू विल बी डूइंग कैल्सिनेशन ओवर हियर विल डिस्कस दिस टू टर्म्स वेरी इंटरेस्टिंग कैल्सिनेशन देन ऑक्साइड